पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में लोकसभा चुनावों के मतदान के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के समर्थकों के बीच मारपीट में पीडीपी के 4 समर्थक घायल हो गए, जिन्हें पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायलों की पहचान, जिसका नाम जहूरदीन है, पुत्र मोहम्मद शरीफ, शाहजाद अहमद, पुत्र मोहम्मद यूसुफ उम सलीम, अभी पत्नी शाहजाद अहमद, मोहम्मद असलम, मोहम्मद शरीफ, सभी शाहपुर के निवासी हैं। मेरा नाम शाहपुर है, मैं शाहपुर का रहने वाला हूँ सर। वोट डालने के लिए जा रहे थे तो इन बंदों ने रास्ते में पकड़ लिया सर। ये सिस्टर है मेरी, ब्रदर है सर, साथ में उनको पकड़ने को मारना शुरू कर दिया। बोल रहे हैं आप इसी को वोट क्यों डाल रहे हैं, बीजेपी और पीडीपी को वोट आप दे रहे हो। इस बात में हमला जो पकड़ाव दिया सर वहाँ पर। कौन सी पार्टी के लोग सर? वो उत्तरी के रहने वाले गाँव शाहपुर के, लेकिन वो बोल रहे हैं एनसी एनसी को वोट दे रहे हैं। टोटल कितने लोग जख्मी हुए सर? 4 जख्मी हुए, उनके 40-50 हमला दिया सर। तो वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स था सर? सिक्योरिटी फोर्सेज का रहता था, उन्होंने पूरा पंगा कराया सर, पकड़ के लेकर के बंद। पहले तो साइड कर दिया था, सीआर पी वाले बोल रहे इनको साइड बढ़ा हुआ, जैसे उन्होंने साइड बढ़ाया ऊपर से उन्होंने हमला कर दिया सर। आपका नाम? जोरदे। क्या हुआ सर? शाहपुर के रहने वाले हाई स्कूल के पास रहते हैं, नीचे हमारा वहाँ पे घर। आज सुबह गए वोट डालने, वोट डाल कर हम वापसी आगे साइड पे खड़े, इतनी देर में ये पहुँचे हमारे लड़के, तो वो स्कूल के अंदर थे, तो उन्होंने काम ये किया कि लाइन में लगे थे, ये पहुँचे नहीं। अभी नीचे था सीआरपी वाला लेकर इनको जा रहा था, सीआरपी वाला एक पुलिस वाला भी साथ में था। वो तकरीबन 30-40 बंदा पड़ा इन पर, 3 बंदों पर, दोनों पे, तीसरी लड़की थी, इनको मारना शुरू करा। थोड़ा नीचे हम गए छुड़ाने गए, तो मेरे को भी ये पत्थर मार दिया उन्होंने। कितने लोग आए? वो हम 4 हैं, एक लेडीज है, 3 जेंट्स है जी। जी जी, काफ़ी चोट है, वो सीरियस है, 3 बंदे को काफ़ी चोट आई है। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज शाहपुर हाई स्कूल जो पोलिंग स्टेशन नंबर 30 शाहपुर सी, वहाँ पे ये जो हादसा आज पेश आया, जहाँ पे हमारे एक एजेंट जो हमारा उसे पीटा गया, उसके साथ साथ उसकी बीवी को भी मारा गया, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मर्द तो आपस में चलिए बोल चाल कर सकते हैं, होती है बोल चाल स्टेशनों पे आपस में, लेकिन मारपीट इस हद तक कि वो इस वक्त सीरियस कंडीशन में यहाँ पे हॉस्पिटल में है, और उसकी बीवी भी बिल्कुल उसको होश ही नहीं है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पे पड़ी हुई है, उसे एक्सरे वगैरह हो रहा है, उसे मायना कर रहे हैं डॉक्टर साहब तो लगे हुए हैं, लेकिन इससे बड़ा बदकिस्मती हमारे लिए कोई नहीं है। क्योंकि पुंछ एक ऐसा, ये हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने इससे पहले कभी कोई लड़ाई झगड़े का हमने कभी माहौल नहीं देखा, लेकिन बदकिस्मती है कि आज यहाँ पे भी और सेशन हुआ करते थे जहाँ पे लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी, लेकिन ये पहली बार हमें देखने को मिला है। इससे बढ़ के मैं ये कह नहीं सकता, ये अफसोस का मकाम है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये इनसे इस जिस हमारे वर्कर को मारा है या उसकी बीवी को मारा है, उसके खिलाफ़ जिन जिन्होंने मारा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम कोई ना उठाए। और बाकी पोलिंग स्टेशन, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पर वोटिंग रोक देनी चाहिए, उसके बाद उसका जब तक ये वहाँ पे मौके पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का हमला वगैरह ना जाए, ये इलेक्शन कमीशन के जितने भी जो अहलकार वहाँ ना जाएं, वो मौके पर जाके वो इसको
कलदम कर दिया जाए, इसका पोलिंग स्टेशन जो है ये दोबारा पोलिंग की जानी चाहिए वहाँ पे, क्योंकि अगर इस हद तक वहाँ पे लड़ाई हुई है वहाँ पे क्या हालत होगी, इस वक्त कैसे वोट पड़ रहे होंगे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये खबर मिली कि शाहपुर से, शाहपुर का जो 30 नंबर जो अपना पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो कि एक देखा जाए कि मारपीट हुई है, एक ही गांव के लोग रहने वाले हैं, वोटिंग हो रही है, बड़ा पीसफुल माहौल था। ये पहली बार सुनने में आया कि हमारे शाहपुर के बीच जो है, गांव के बीच जो है आपस में उन्होंने झगड़ा किया है, और एक औरत है जो कि अभी स्ट्रक्चर पर है, कुछ आदमी और भी हमारे भाई हैं जो कि इंजर्ड हैं, सीरियस हालात है उनका। तो ये बड़ी दुखी बात है कि हमने एक जगह रहना है, खाना पीना हमारा एक जैसा है, हमारा कब्रिस्तान है, क्या शमशान घाट है, क्या फिर हम और एक दूसरे के ऊपर ऐसी वारदात करें, तो ये इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा दबा है। मैं समझता हूँ कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, पीसफुल माहौल रहे और लोग आराम से वोटिंग करें। थैंक यू।